नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने समय के बाद हम सब लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। आमतौर पर हमारे जितने एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे या तो स्काइप पे बात होती थी अब तक, या तो फ़ोन पे बात होती थी, तभी भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आमने सामने मिलकर जो बात होती है उसकी बात बिल्कुल अलग होती है। और जो ऑडियंस में इतने सारे लोग आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि इतना उत्साह है और इतने सारे लोग यहाँ पर जुटे हैं। मैं पर्सनली सबसे मिलना चाहती हूँ। आई होप कि हमें इस पैनल के बाद ये मौका मिले। आई होप आपके पास बहुत सारे सवाल हैं हमारे ऑनरेबल माननीय और सारे अनुभवी पैनलिस्ट के लिए। तो चलिए, विदाउट फर्दर डू, ये वाला जो पैनल डिस्कशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सारे पैनल डिस्कशंस इंटरेस्टिंग है और कमोडिटी बाजार में सब कुछ इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन आज जब इस इवेंट की शुरुआत हुई, मोहंती सर का हमने यहाँ पर स्पीच सुना, फिर उसके बाद रेड्डी सर ने अपनी बात रखी एक्सचेंज पर्सपेक्टिव से, किशोर ने अपनी प्रेजेंटेशन रखी, एंड इट शुक मी अ लिटिल बिट। तो खैर, हम उस पर आएंगे। बहुत सारे मौक़ों की बात है, चुनौती का भी समय है, तो एक एक करके हम इसे समझते हैं। जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो पहले हमने सोचा था कि बेस मेटल और एनर्जी, ये दोनों अलग अलग रखी जाएंगी, बट देन वी रियलाइज दैट बोथ ऑफ देम दे गो हैंड इन हैंड। इनमें कुछ भी अलग नहीं है, कुछ जुदा नहीं है। तो हमने सोचा कि हम इस पे एक कलेक्टिव डिस्कशन रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम फिलहाल किस पायदान पे खड़े हैं और यहाँ से हमें आगे कैसे मौके दिख रहे हैं, और अगर मौके नहीं दिख रहे हैं तो उनको भुनाना कैसे है। तो सबसे पहले नथानी जी, मैं आप ही से शुरुआत करूँगी। जहाँ तक एनर्जी का मसला है, आई एम श्योर हर एक इंसान यहाँ पर जानना चाहता है कि एनर्जी में अब आगे क्या होना है। 100 के पार, 100 के नीचे, डबल डिजिट, ये हम रोज डिस्कशन अनिल सर के साथ करते भी हैं कि कच्चे तेल का होना क्या है। लेकिन कीमत इतनी इम्पॉर्टेंट अभी नहीं है। उससे पहले हमें ये समझना है कि जो ग्लोबल मार्केट में इस समय क्राइसिस चल रहा है, भारत ने बहुत रेजिलियंस के साथ अभी तक इसे हैंडल किया है, लेकिन ये समझने वाली बात होगी कि क्या अब यहाँ से अगला स्टेप लेने का वक्त आ चुका है। हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी इकोनॉमीज ध्वस्त हो रही हैं, उनकी हालत बहुत बुरी होती चली जा रही है। हमारे साथ वो स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए एक्सचेंज क्या कर रहा है? क्या अब प्रोडक्ट के लेवल पे आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है, वॉल्यूम के लेवल पर, या अब सीधा स्वागत आप FPIs का करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हम अगले लेवल के लिए तैयार हो जाएं? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अगर तेल का आयात नहीं होता तो आज हम लोगों को मतलब लोन देते होते, न कि बोरो करते होते। तो ये जो तेल का आयात है या जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, उसको लेके आप एक और बात समझिए कि जब आप मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने, तो जब आप क्रेता होते हैं तो आपका बाइंग पावर होता है, बट दुर्भाग्यवश भारत चाहे विक्रेता हो चाहे क्रेता हो, कोई भी चीज़ में उसका प्राइसिंग पावर है नहीं। मैं यही समझना चाह रही हूँ कि जब इतनी ज़बरदस्त डिमांड है, हम कच्चे तेल के हिसाब से तीसरे पायदान पर आते हैं सबसे बड़े कंज्यूमर, और हमारी एपेटाइट बढ़ती चली जा रही है, हम प्राइस टेकर से प्राइस मेकर का सफ़र क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं और कैसे होगा? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो प्राइस मेकर का जो की जो भूमिका हम निभाना चाहते हैं, हम उसी के तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा पहले हमारे MD ने कहा था कि हमने डोमेस्टिकली बेस मेटल में भी 2 रिफाइनर को लेड में इम्पैनल किया, सोने में भी हमने 4 रिफाइनर को इम्पैनल किया, वैसे ही आज FPIs को हमने परमिट, सभी ने परमिट किया है कमोडिटीज़ में। और यदि आप देखें तो ये जो एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्रूड ऑयल हो चाहे नेचुरल गैस हो, उसके वॉल्यूम्स जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि कुछ दिन में ऐसा हम चाहते हैं, आज नहीं लेकिन उस सफ़र पर चल चुके हैं कि भारत के जो प्राइस है, जैसे फिर मैं बोलूँगा कि मेक इन इंडिया सिर्फ नहीं, क्योंकि किसान क्या करता है, उपज करता है लेकिन वो बेच नहीं पाता सही दाम पे, तो प्राइस इन इंडिया और ट्रेड इन इंडिया, जब तक ये तीन नहीं होंगे तो ये पूरा नहीं होगा। तो हम उसी सफ़र पे चल पड़े हैं, और हमारे अगर आप एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स देखें तो उसमें ऐसी वॉल्यूम है कि सभी ने भी पहले उसी में कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स में ही अनुमति दी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो रेगुलेटर है, चाहे एक्सचेंज है, चाहे मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, उनका रुझान किस
दिशा में। चलिए ठीक है, नवनीत मैं आपकी तरफ आऊंगी। आई एम श्योर कि यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स ये जरूर जानना चाहते हैं कि ये जो एनर्जी का क्राइसिस है ये कहीं आगे जाके हमें और शॉक देने वाला है या अब वाकई में एनर्जी लौटती हुई दिखाई देगी, किस दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं? वेल, एनर्जी से एनर्जी थोड़े कुछ मुझे लगता है अगले 2-3 सालों तक ख़त्म नहीं होते हुए नज़र आ रही है। और ये क्राइसिस सिर्फ रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के साथ शुरू नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे इंपेंडिंग फैक्टर्स है जो काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी कॉम्प्लेक्स को। सबसे बड़ा फैक्टर मैं कहूँगा कि स्टिमुलस है जो पूरे ग्लोबल इकोनॉमीज को ड्राइव कर रहा है, और लास्ट 2 साल में अपने इतना मैसिव स्टिमुलस फ्रॉम US, चाइना या अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देखा है कि सारी इकोनॉमीज एक नई दिशा की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी अगले 2-3 सालों में। उसके साथ साथ क्रूड का जो सप्लाई फैक्टर है वो कहीं ना कहीं एट पार चल रहा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। आप सऊदी अरेबिया की तरफ से देख लीजिए या अदर नेशंस की तरफ से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल स्कोप नहीं लगता है। तो डिमांड कहीं ना कहीं आपको अगले 1-2 साल में बहुत हावी होती हुई नज़र आएगी, और सप्लाई अगर उस स्पीड में नहीं बढ़ पाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्राइस हम देख रहे हैं ये एक बेस की तरह हो जाएगा और यहाँ से हम 20-25-30% ऊपर ही होंगे। नाउ रहा सवाल शॉर्ट टर्म में, हम यहाँ पे एक करेक्शन या वोलेटिलिटी देख रहे हैं प्राइसेस में, तो ये जो 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 वॉर चल रहा है बेसिकली करीब करीब 6 महीने होने आए हैं और मार्केट ने कहीं ना कहीं ये डिस्काउंट कर लिया कि यहाँ से जो भी कंसर्न है या जो फैक्टर्स वॉर को इम्पैक्ट कर रहे थे या लोगों को इम्पैक्ट कर रहे थे वो डिस्काउंट कर लिया है। अब आने वाले समय में या तो इस वॉर में कोई नया पार्टिसिपेंट जुड़ जाए और ये वॉर और बढ़ जाए तब जाके आपको कुछ हलचल देखने मिलेगी, या ये ऐसे ही आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड खत्म हो जाएगा और लोग इसको डिस्काउंट कर लेंगे। तो मेरा मानना ये है कि बहुत शॉर्ट टर्म में कुछ खास 5-7% की आपको नरमी भी देखने मिल सकती है, बट मीडियम टर्म की अवधि में आपको यहाँ से 20-25% के ऊपर ऑयल में सप्लाई डिमांड में खींचतान रहेगी। लेकिन अब काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि डिमांड यहाँ से कहाँ पर इवॉल्व होती हुई दिखती है। रेगे सर, मेटल में क्योंकि आपकी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है और मेटल मार्केट, हम जब भी नॉन फेरस मेटल की बात आती है MCX का सीधा हीट मैप खोल के देख लिया जाता है कि कहाँ क्या है। चिंता है OIs को लेकर, चिंता है वॉल्यूम को लेकर, कहाँ दिक्कत आ रही है? जब इतनी बड़ी इकोनॉमी है, मेटल्स की इतनी बड़ी खपत है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये विश्वास क्यों नहीं आ रहा है? और मैं तो इनफैक्ट जब मैंने किशोर का प्रेजेंटेशन देखा मुझे ये बात बड़ी चौंकाने वाली लगी। हमें हमेशा, हम कहते थे कि रिटेल अवेयरनेस की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हमारे रिटेल पार्टिसिपेंट ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं। अगर ये कॉर्पोरेट्स को या इंडस्ट्रियलिस्ट को बात समझ नहीं आ रही है, चूक कहाँ हो रही है? दो मसले हैं। पहली बात, दो मतलब पार्टिसिपेशन और प्रोडक्ट दोनों हिसाब से बात करते हैं। तो पहला तो जो हमने जब से कमोडिटी मार्केट चालू हैं 2003 से लेकर के 2019 तक का जो सफ़र था वो कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट, तो बेसिकली क्या था कि ओवरसीज मार्केट को यहाँ पे प्राइजेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती थी या मिमिक करती थी। पर ये जो 2019 में हमने जो डिलीवरी बेस में जो तब्दील करके इंडिया प्राइस डिस्कवरी वाला जो जो कारोबार या जो जो लॉन्च हुआ था उससे लोकलाइजेशन ऑफ प्राइस हुआ ही है। इसमें GST इम्प्लीमेंटेशन की बहुत बड़ी भागीदारी है जिसके बाद ही ये सफलतापूर्वक हम इम्प्लीमेंट कर पाए। तो कहने के लिए मेटल्स मार्केट को हम मान सकते हैं कि 2003 से लेकर के जो ग्रोथ आई उसके बाद उतना सस्टेन नहीं किया, लेकिन 2019 में हमने जब डिलीवरी बेस में तब्दील किया तब से लेकर के जो लोकलाइजेशन हुआ है मुझे लगता है वो इनिशियल फेज जो लोगों को अंडरस्टैंडिंग वाली चाहिए थी वो अब हमने सफर तय कर लिया है। मुझे लगता है वॉल्यूम्स और पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, इसमें बढ़ रहा है। इसको और बढ़ाने के लिए जो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं उसमें पहला ये है कि हम वी आर डूइंग लॉट ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। लोकलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब कि एक पहला सिर्फ एक जगह एक लोकेशन पे हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए थे, हमने उसको मल्टी डिलीवरी सेंटर किया सो दैट कि जो रिमोट लोकेशन पे या दूसरी जगह पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई उसको डिलीवरी लेने या देने की बात आती है तो उसको एक्सेस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन दी मतलब जो एल्यूमिनियम में जो सिर्फ इंगट्स की डिलीवरी हुआ करती थी अब सोज और टी बार्स में भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। हमने मेटल्स में जैसे लेड में पर्टिकुलरली रिफाइंड डोमेस्टिक जो रिफाइनर्स हैं इनको इंट्रोड्यूस किया है, और आने वाले समय में जो प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करेंगे उसमें जो लोकल में जिस प्रोडक्ट्स की या वैल्यू चेन में जिसकी ज़रूरत है, जैसे संदीप जी भी मेरे से सहमत करेंगे कि जो CC रॉड्स कॉपर में की बात होती है, एल्यूमिनियम रॉड्स की जो बात होती है, जो ग्लोबली इसका कोई रेफरेंस नहीं है लेकिन लोकल में बाजार में हमारा जो कंजम्पशन का पैटर्न है उसको देखते हुए जो बाजार की रिक्वायरमेंट है कि हमने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो अगला जो पायदान या कह लीजिए अगला जो फेज़ हमारी तरफ से है वो ये रहेगा कि जो
इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको डिफाइन करके लॉन्च करें। लेकिन चलिए इंडस्ट्री क्या समझती है इस बारे में वो भी चेक ले लेते हैं। सबरवाल जी हमारे साथ हैं। सबरवाल सर, दशकों का आपको एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, आप अलग अलग मैन्युफैक्चरर बोर्ड पे रहे हैं, आप ट्रेडिंग कम्युनिटी को, मर्चेंट्स को, इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली समझते हैं। मुझे बताइए कि जिस बात का जिक्र रेगे साहब ने किया, फिट है, रेलिवेंट है, क्या करने की जरूरत है? कई चीज़ों की आवश्यकता है। आज मैं ध्यान करता हूँ कि बल्कि अनिल संघवी जी को और मृत्युंजय को कॉम्प्लीमेंट करूँगा कि मृत्युंजय कह रहे थे कि हम कॉमोडिटी में हम नंबर वन बन गए। कॉमोडिटी में तो आप नंबर वन पहले भी थे, 2 साल से ज़्यादा पहले भी थी। आज आप ठीक है कि 7% वॉल्यूम आपने जैसा कहा और बाकी चारों का। आवश्यकता किस बात की है कि ये देखा जाए कि भारत में कैसे, आज हम बेस मेटल और अगर एनर्जी के पैनल में बैठे हुए हैं, कि कैसे भारत में बेस मेटल और एनर्जी में वॉल्यूम बढ़ सकता। आपने चितरंजन के रेफरेंस में मुझे आगे कंटिन्यू करने को कहा, मैं ये कहूंगा कि आज पब्लिक सेक्टर भी, एनर्जी के बड़े पब्लिक सेक्टर भी बाहर हेज कर रहे हैं। मोहंती साहब शुरू करके गए कि हेजिंग की आवश्यकता है, हेजिंग को लेकर आओ। अब बात हुई चिकन एंड एग पोजीशन वाली भी कि क्यों, एक बात और भी आई कि 70,000 से वॉल्यूम 35,000 आ गया। सच्चाई तो यह है कि भारत में हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जिसको आपका चैनल पहले से उठाता रहा है, आपने शुरुआत भी उसी से की थी। आवश्यकता इस बात की है, आपके आज माध्यम से कहना चाहेंगे कि बात एक और निकली थी कि स्प्रेड बढ़ गया। भाई स्प्रेड बढ़ क्यों गया? स्प्रेड इसलिए बढ़ गया कि आज निवेशक, इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रेड करने आ ही नहीं रहा है आपके पास। आवश्यकता इस सर ये बताएंगे क्यों नहीं आ रहा है? वो इसलिए नहीं आ रहा है कि आपको एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए एक तो हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, दूसरा आवश्यकता है मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स लाने की, दूसरा आवश्यकता है मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑप्शंस लेके आने की, ऑप्शंस को और पेपुलराइज करने की। ऋषि ने बात की थी 28 साल और 18 साल वाली ऑप्शंस। विश्व भर में कमोडिटी इक्विटी से ज़्यादा ट्रेड होती है, हमारे यहाँ भी निश्चित रूप से कमोडिटी, अगर हम ध्यान देंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक बात पहुँचाएंगे, तो निश्चित रूप से हम एग्री की बात नहीं करते कि वहाँ कंज्यूमर और उसकी बात आती है, पर बेस मेटल में और एनर्जी में तो हम विश्व भर में स्टॉक प्राइस टेकर हो सकते हैं। आज के दिन में हमारे, हम आज गोल्ड में कितने बड़े कंज्यूमर हैं, हम बुलियन में कितने बड़े कंज्यूमर हैं। तो अगर सब लोग साथ मिलकर चलेंगे, सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से समझाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब निवेशक भी आएगा, ब्रोकर, मार्केट पार्टिसिपेंट भी आएंगे और इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस मार्केट में आएगा। बिल्कुल। चलिए संदीप जैन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि बॉम्बे मेटल एक्सचेंज बहुत फिनोमिनल काम किया है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है आपकी। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अभी हम FPIs के आने की तैयारी कर रहे हैं, हम बड़े खुश हैं, लेकिन मोहंती सर ने इस बात का जिक्र भी किया कि अब आप घोड़ा आगे लगाएंगे, कार्ट पीछे लगाएंगे, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बताई जाती है, वॉल्यूम यहाँ पर नहीं है, FPI क्यों आएगा, आपके इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, अभी क्या करने की ज़रूरत है, जहाँ तक मेटल्स का सवाल है। थैंक यू द बिजनेस। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ग्राउंड रियलिटी जो है, मतलब जो ट्रांजेक्शन्स लोकल मार्केट में होते हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में जो डिफरेंसेस चलते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे अभी रेगे जी ने बोला कि जो कॉपर कैथोड ट्रेड हो रहा है, लेकिन इंडिया में कॉपर रॉड का कंजम्पशन 85% ऑफ टोटल कॉपर प्रोडक्शन है। तो
इसमें डेफिनेटली वो आप प्रोडक्ट उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद में जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, एक्चुअली हम शॉर्ट टर्म हेज कर सकते हैं, लेकिन जैसे एलएमई में 5 साल भी आप कर लो या उससे ज़्यादा भी कर लो तो आप कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो प्राइस डिस्कवरी प्रॉपर होगी, यहाँ तक कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है इंडालको, वेदांता, ये सब भी जो है एलएमई को बेस पकड़ के चल रहे हैं, वो लोग भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जैसे एमसीएक्स में एक्टिवली, तो उनका भी वही है एक्चुअली, क्योंकि अधिकतर मेटल इम्पोर्ट ही होता है ऐसे करके। तो बेसिकली वही है कि जब पर कैपिटा कंजम्पशन सारे बेस मेटल्स में बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मतलब जैसे प्राइस डिस्कवरी प्रॉपर होगी, हेजिंग प्रॉपर होगा उस हिसाब से। ओके, जितेंद्र शाह जी मुझे ये बताइए, आप बहुत डीपली मेटल मार्केट से जुड़े हुए हैं, आप बिल्कुल ग्रास रूट प्रॉब्लम जानते हैं क्योंकि आप उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मुझे बताइए क्या वाकई में एक मंडी में जो कारोबारी बैठा है स्पॉट ट्रेडिंग से लेकर फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म तक, क्या उसे रेलेवेंस दिखाई दे रहा है, और अगर दिख रहा है तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसमें डेप्थ क्यों नहीं दिख रही है, क्या एग्जैक्टली चाहिए क्या हमारे ट्रेडर को, हमारी इंडस्ट्री को? आपके सवाल में ही जवाब है, मेटल का बेस कितना सेफ, सवाल ही यहाँ पे है कि हर आम आदमी जो छोटा से छोटा व्यापारी है उसको एक तो ये ग्राउंड रियलिटी, उसको इसका एक्सेस ही नहीं है कि, और सबको लग रहा है ये स्पेकुलेटिव मार्केट है, और उसको यहाँ तक उनके तक एक इंफ्रा डेवलप नहीं है कि वहाँ तक वो सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, कैसे उस टूल को इस्तेमाल किया जाए, कैसे इस टूल के सेफगार्ड किया, मतलब सेफ्टी है कि नहीं है, वो एक आम आदमी को नहीं पता है। बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे लोग करते हैं, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि, और जितने भी एमसीएक्स कमोडिटीज एक्सचेंज है उनको चाहिए कि अवेयरनेस बढ़ाए, इंफ्रा डेवलप हो, ताकि छोटे छोटे डिलीवरीज जो है ना उसके लॉट साइज छोटे हो जाए, मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जैसे इम्पोर्ट करते हैं 3-3 महीने में मटेरियल आता है इंडिया में, तो 3 महीने का फोकस नहीं कर सकते। वी डील इन स्टेनलेस स्टील, वी आर बिगेस्ट स्टेनलेस स्टील मार्केट, मासमा जो है 5,000 व्यापारी है एशिया में, कितना कहीं पे भी इतना बड़ा मार्केट नहीं है, सब व्यापारी 500 टन 1,000 टन 2,000 टन इंपोर्ट करते हैं, आज बुक करते हैं 3 महीने बाद माल आना होता है, यू कैन नॉट फोरकास्ट। तो ये बहुत अच्छा टूल है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल तक वो लोगों तक समझ नहीं है और नहीं पहुँच पाया वो। एमसीएक्स शायद बड़े लोगों तक पहुँच पाया है, बड़े इंडस्ट्री को टच कर रहा है, लेकिन ये जो नीचे जो ग्राउंड लेवल पे जो एमएसएमई एसएमईज और ट्रेडर्स है ना, वो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो इनके बिना आप नहीं बन सकते, ये रीढ़ की हड्डी। नथानी जी, अब आपका रिस्पांस मैं इस बात पे चाहूंगी जो शाह जी ने कहा, बिल्कुल दिल की बात रख दी उन्होंने कि आप एसएमईज एमएसएमईज तक नहीं पहुंच रहे, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, अब करने क्या वाले, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन? ऐसा नहीं है कि हम नहीं पहुंच रहे, अभी कुछ देर पहले तो बोल रहे थे कि आप रिटेल तक पहुंच गए, आप नीचे स्तर पे पहुंच गए, आप ऊपर स्तर पे नहीं पहुंचे, तो इंडस्ट्री ने अपनी बात भी रख दी सामने। सही बात है, हर आदमी का अपना दृष्टिकोण होता है, सब अपना पहलू रखते हैं, हम सबको सूरज धूप समान देता है, सबको किसको लेना है नहीं लेना है वो उसके ऊपर है। वैसे ही हम भी चेष्टा यही करते हैं कि नॉलेज इज़ लाइक द सन, टू स्प्रेड इट। अब जिसको नहीं लेना है, आज मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि गोल्ड में 2017 में आरबीआई ने फॉरेन हेजिंग बैन कर दी, उसके बाद गोल्ड में अपने आप इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन बढ़ गया। तो ज़रूरत ये है कि गवर्नमेंट मैंडेट करे कि अगर आप भारत में प्रोडक्शन कर रहे हैं या कंजम्पशन कर रहे हैं तो भारत में क्यों नहीं हेज कर रहे हैं, तो वो ज़रूरत है आज के दिन। और जहाँ तक आप प्राइस की बात करते हैं, मैं नहीं जानता क्या प्राइस होने वाला है एनर्जी में, मैंने हाल में ही एक देखा था, एक फॉरेन ब्रोकर ने बोला कुछ 300 कुछ हो जाएंगे क्रूड, किसी ने बोला 60-65 हो जाएंगे, तो मैं एक ही बात जानता हूँ, हेज करो। ओके, तो फाइनल वर्ड यही है कि हेज करने के अलावा यहाँ पर फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ऑफ कोर्स एक बहुत बेहतरीन चीज़ निकल कर आई, सभी यहाँ पर जितने भी चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़े हो, एक्सचेंज से जुड़े हो, एक बात साफ तौर पे कही कि आपको सबको जोड़कर यहाँ पर चलना है, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो, चाहे लोगों की मंशा हो, इंटेंशन हो, समझ हो, अवेयरनेस हो, इन सबको जोड़ना है एंड बहुत काम करना है। हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, अब और आगे बढ़ना है और नेक्स्ट फेज पर करना है काम। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, आप हमारे साथ जुड़े, समय निकाला, अपने अनुभव सामने रखे और बताया कि अब फॉरवर्ड प्लान यहाँ से क्या होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।